नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियन नेस्ट और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। ट्रेन, बस, सड़क, सरकारी दफ्तर या फिर मोहल्ले में किसी का घर, आपको इन जगह पर पान और तंबाकू की पीक दिख ही जाएगी। कुछ लोग तो बैठे बैठे ही निशाना बनाकर पिचकारी मार देते हैं, तो कुछ लोग गाड़ी का गेट खोलकर धीरे से ही बीच सड़क पर पीक मार देते हैं। न जाने कितनी बार आपकी हमारी चप्पल के नीचे तो बस में बैठे पीछे वाले व्यक्ति के मुंह पर, और न जाने कितनी ही बार ऊपर से या सामने से पीक की छींटे पड़ जाती हैं। गुटके के शौकीन शहर की दीवारों पर अपने निशान छोड़ते चले जाते हैं। क्या करें, कहां तक बचें इन पीकों से, मानो जैसे ये तो हर जगह आपका पीछा कर रही है। हम में से लगभग हर कोई इस समस्या से कई मौकों पर दो चार तो हो ही चुका होगा। ये तो कुछ नहीं है, मगर असल में तो ये पीक मारने वालों की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा है कि ये सब मिलकर 221 ओलंपिक साइज के पूल भर सकते हैं। जी हाँ, सोच कर ही घिना रही है, मगर ये सच है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद आंकड़े बता रहे हैं। अब इसे आप ऐसे समझिए कि ओलंपियन पूल में 2 मिलियन लीटर पानी आता है और हमारे देश में हर साल लोग 1 मिलियन टन से ज्यादा गुटखा थूक देते हैं। ऐसे में कई स्विमिंग पूल भारत के लोग गुटखा थूक कर ही भर सकते हैं। ये डेटा जितना घिनौना है उतना ही हैरान कर देने वाला है। सोशल मीडिया हैंडल इंडिया इन पिक्सल ने पान थूकने की भारतीयों की इस आदत को बड़े ही रोचक तरीके से पेश किया है। दरअसल पान चबाकर थूके गए पीक का जो औसत वजन होता है वो 39 ग्राम होता है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। तो वहीं ओलंपिक के स्विमिंग पूल की कैपेसिटी जो है वो 25 लाख लीटर की होती है। तो इन आंकड़ों को अगर आप एक दूसरे से जोड़े तो हमारे देश में लोग पान के थूक से 211 स्विमिंग पूल भर सकते हैं। अब तक तो मेरे ख्याल से आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि इसमें भी कौन सा राज्य सबसे आगे है। सही समझे, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इंडिया इन पिक्सल के ग्राफिक के मुताबिक हर साल उत्तर प्रदेश के लोग गुटखा थूक कर 46 पूल भर सकते हैं। उसके बाद बिहार का नंबर आता है जहां के लोग एक साल में 2 मिलियन वाले 31 पूल भर सकते हैं। ओडिशा भी इस मामले में तीसरे नंबर पर आता है क्योंकि यहां के लोग भी 28 और बंगाल के 21, तो गुजरात के लोग 20 पूल भर सकते हैं। लेकिन चलो, गनीमत है कि दिल्ली इस मामले में सबसे आखिर पर आता है क्योंकि दिल्ली एक पूल हर साल गुटखा थूक कर भर सकता है। बस इतना ही नहीं, ये समस्या इस कदर गंभीर है कि कोलकाता के आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज के गिरने का रिस्क तक 10 साल पहले पैदा हो गया था। मतलब जिस ब्रिज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी बमबारी झेली, 1000 टन वजनी कार्गो जहाज इससे टकरा गया था, तब भी पुल का कुछ नहीं बिगड़ा, मगर थूक की वजह से ये ब्रिज खतरे में आ गया था। वो भी तब जब हावड़ा ब्रिज को दुनिया के सबसे अच्छे कैंटीलीवर पुलों में शामिल किया जाता है। दरअसल 26,000 टन स्टील से बना कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज एक दिन में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों को अपने ऊपर से गुजारने की ताकत रखता है। मगर पान की पीक की वजह से एक वक्त ऐसा आया जब इस ब्रिज पर गिरने का खतरा मंडराने लगा था और बड़े से बड़े इंजीनियर भी इस मुश्किल को देखकर हैरान हो गए थे क्योंकि इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। दरअसल थूक के साथ मिलकर पान में मौजूद चीजें जो है वो स्टील पर एसिड सरी का असर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से जिन खंभों पर पुल टिका था उसमें से कुछ के आधार की जो मोटाई थी ना वो थूक की वजह से आधी हो गई थी। तो ये तो बात हुई स्विमिंग पूल और हावड़ा ब्रिज की, मगर अब बात करें अगर इसकी गंभीरता की, तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 130 करोड़ लोग तंबाकू खाते हैं और 80% तंबाकू खाने वाले लोग लो मिडिल इनकम वाले देशों में रहते हैं। मतलब एक तो पैसा नहीं और ऊपर से शौक भी जानलेवा, जो खुद तो डूबते ही हैं और अपने साथ पूरे परिवार को भी डुबाकर चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि हर साल 80 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू खाने की वजह से पूरी दुनिया भर में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अकेले भारत देश में ही करीब 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तंबाकू की वजह से हो रही है। मतलब हर दिन लगभग 3,500 मौतें। सोचिए, एक तरह से धूम्रपान तंबाकू का जो सेवन है वो खुशहाल जीवन का
अजेय दुश्मन कहा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार 2030 तक तंबाकू सेवन से होने वाली मृत्यु की संख्या जो है ना वो बढ़कर 80 लाख प्रति वर्ष हो जाएगी। एक ब्रिटिश शोधकर्ता डॉक्टर जॉन मुरे गिलान के अनुसार भी 2050 तक धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारियों से मरने वालों की संख्या भी 4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। एक अनुमान के अनुसार धूम्रपान के कारण होने वाले कैंसर से भी कुल 5 लाख लोगों की मौतें प्रति वर्ष हो रही हैं, जिनमें 30 से 70 साल के लोगों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। इनमें 42% पुरुष हैं और 18% महिलाएं हैं। तो तंबाकू के कारण सिर, मुंह और गले के 30% ट्यूमर होने का भी अनुमान लगाया गया है। एक दूसरे अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख को भी पार कर जाएगी। सोचिए, महात्मा गांधी तक लोगों की तंबाकू खाने की आदत के चलते परेशान थे। वो कहते थे कि मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि तंबाकू खाना इतना जबरदस्त लोगों का शौक हो कैसे सकता है। नशा हमारे धन को ही नष्ट नहीं करता बल्कि हमारी हेल्थ को भी बिगाड़ देता है। तो मतलब हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी अगर हासिल करनी है तो अपने देश को अगर हमें साफ रखना है तो हमें तंबाकू हर हालत में छोड़ना ही होगा। और यकीन मानिए, ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके आसपास अगर कोई तंबाकू खाता है तो उसे इस वीडियो में जरूर टैग करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।